अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोया एडवोकेट हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि शार्ट वीडियो में हमने बताया था कि द ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन कोर्ट में ट्रायल कैसे होता है, कौन से केसेज होते हैं जिनका ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ अ केस बाई कोर्ट ऑफ सेशन, सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जी। पहली हेडिंग जो ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड अंडर पाकिस्तान पिनल कोड कैन बी ट्राइड बाई द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन आर एनी अदर कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई देम। क्लियर बता दिया गया है पाकिस्तान पिनल कोड में कि कौन कौन से ऑफेंसेस सेशन कोर्ट में होंगे, हाई कोर्ट में होंगे, मजिस्ट्रेट के पास होंगे, यानी कि ये सारी बातें बता दी गई हैं। द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ द सेम प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अंडर सीआरपीसी। जो हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का है उनका प्रोसीजर सेम है ट्रायल का। दीज कोर्ट्स मे ट्राई ऑल केसेस विच कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन आइदर इन ओरिजिनल आर एपलेट मर्डर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ द सेम प्रोसीजर ऑफ एनी अदर ट्रायल। यानी कि मर्डर का केस हो या कोई और केस हो, उनका जो भी ट्रायल का तरीक़ेकार है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए कोर्ट की। ये ना हो केस लाहौर हाई कोर्ट हाई कोर्ट का हो और आप पहुंचे मुल्तान हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट वो आपका केस खारिज वसूल कर देगी। नंबर दो पे आ जाएगी हेडिंग रेलिवेंट प्रोविजन। सेक्शन 265A एंड सेक्शन 265N CRPC 1898 इसको डील करेगा जनाब। नंबर थ्री मेन हेडिंग है मीनिंग ऑफ ट्रायल। ट्रायल मीन्स अ प्रोसीडिंग विच स्टार्ट्स व्हेन अ केस इज कॉल्ड बाय अ मजिस्ट्रेट और जज ऑन द बेंच। द अक्यूज्ड इज इन द डॉक एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस आर प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर द हियरिंग ऑफ द केस एंड दिस एंड्स आइदर अ कन्विक्शन आर एक्विटल। यानी कि पूरा केस प्रॉपर तरीके से चलता है, दोनों साइड से एडवोकेट्स होते हैं, फिर जो होता है सरकारी वकील होता है, सबको सुनने के बाद या तो मुल्ज़िम को सजा दे दी जाती है या उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल। एक लंबा प्रोसीजर होता है क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, हर 15 डेज के बाद की एक तारीख पड़ती है। अगली हेडिंग फोर आ गई जी, प्रोसीजर गिव इन CRPC 1898 फॉर द ट्रायल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन का क्या प्रोसीजर है। द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बाय द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज इन CRPC 1898। इसकी दो कैटेगरीज हैं, वो कौन सी हैं जनाब। नंबर वन चलान केस, नंबर दो कंप्लेंट केस। चलान जिस केस में हो चुका होगा सबमिट उस केस में, और नंबर दो कंप्लेंट, अगर किसी ने कंप्लेन कोई की हुई है तो। इसगासा भी कह सकते हैं आप इसको सिंपल अल्फाज में। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 1996 MLD पेज 157। इट वाज हेल्ड दैट एवरी अक्यूज्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड कंसेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल नेसेसरली प्रोसीड ऑन द प्रीमाइज दैट अ ट्रायल शैल बी हेल्ड विदाउट इनऑर्डिनेट डिले। यानी विदाउट एनी डिले फेयर ट्रायल मुकम्मल इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। जो अक्यूज्ड पर्सन होता है उसको भी बकायदा अपनी सफाई का मौका देना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ फेयर ट्रायल, अथॉरिटी में यह बताया गया है। हेडिंग फाइव आ गई, कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 193। द नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अनलेस अ केस हैज़ बीन सेंट टू इट बाई अ मजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। यानी वही बात आ गई ज्यूरिसडिक्शन वाली, मजिस्ट्रेट उस वक्त तक नहीं सुन सकता जब तक सेशन कोर्ट की तरफ से कोई भी कॉग्निजेबल केस होगा उसको नहीं दिया जाएगा। तो नंबर सिक्स हेडिंग है, द प्रोसिक्यूशन वेयर ट्रायल इनिशिएट अपॉन पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 265A CRPC वेयर ट्रायल इनिशिएटेड। यानी कि इब्तदाई तौर पर अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आती है, द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन होता है सरकारी वकील, ADPP जिसे आप बोलते हैं, DDPP ADPP TC वगैरह वगैरह, शैल बी कंडक्टेड बाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
हेडिंग 7 नंबर आ गई, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 265 बी सीआरपीसी फॉलोइंग आर सच प्रोसीजर ईटीसी क्लास 1 सप्ली ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 265 सी क्लास 1 केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज नॉट लेटर देन 7 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ट्रायल स्टार्ट होने से 7 दिन पहले पहले अक्यूज को तमाम कागजात प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विदाउट एनी डिले। FIR होगी, पुलिस रिपोर्ट होगी, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 के तहत जो स्टेटमेंट होती है सीआरपीसी की, उसकी कॉपी भी, इंस्पेक्शन नोटिस, रिकवरी नोटिस, यानी कि जो जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं ताकि अक्यूज अपना दफा कर सके। क्लास टू कहती है केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट इन राइटिंग। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज नॉट लेटर देन 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। यानी कि जब अनाउंस हो जाए ट्रायल्स विद इन 7 डेज के अंदर होना है तो तमाम कागजात जो होंगे राइटिंग शेप में अक्यूज़ के हवाले कर दिए जाएंगे। नंबर 1 कंप्लेंट विच इज़ मेड, कोई जो उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी। नंबर 2 एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ अटैच्ड विद द कंप्लेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंप्लेंट के साथ अटैच होगा। नंबर 3 स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 200-202 यानी जिसे सगासा कहते हैं उसके, यानी उस इसगासा के कुछ जो कागजात होते हैं वो भी। क्लास 2 है रिमेनिंग चार्ज अंडर सेक्शन 265D आफ्टर परस्यूइंग द पुलिस रिपोर्ट आर कंप्लेंट इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑफ द अक्यूज इट शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। ठीक है जी, अंडर आ गया जी, आगे आ गया रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 265F इफ द अक्यूज डज नॉट प्लीड्स गिल्टी आर द कोर्ट डज नॉट कन्विक्ट हिम ऑन हिज प्ली इन इट्स डायरेक्शन डिस्क्रिशन द कोर्ट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट एंड टेक ऑल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोसिक्यूशन। यानी जो अदालत होगी वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड करेगी एविडेंस किसकी, अक्यूज की, और फिर क्या तरीक़ेकार है। नंबर 1 समनिंग ऑफ विटनेस, जो विटनेस होंगे उनको समन किया जाएगा। नंबर 2 अक्यूज टू बी आस्क टू एड्यूस एविडेंस, अक्यूज आस्क कर सकता है अपनी अपने लिए कोई एविडेंस मंगवा सकता है। नंबर 3 एविडेंस एड्यूस बाई अक्यूज, वही ऊपर वाली बात, इशू ऑफ प्रोसेस, उसका मुकम्मल प्रोसेस होगा। क्लास 5 कहती है समनिंग अप अंडर सेक्शन 265G समनिंग का क्या तरीका कर, वे आर अक्यूज डज नॉट एड्यूस एविडेंस, जहाँ पे अक्यूज एविडेंस नहीं दे रहा तो उधर समन किया जाएगा। नंबर 6 जजमेंट अंडर सेक्शन 265H वे आर अक्यूज इज गिल्टी, जहाँ पे अक्यूज गिल्टी वहाँ पे जजमेंट दे दी जाएगी। वे आर अक्यूज इज नॉट गिल्टी, अगर अक्यूज गिल्टी नहीं है तो उसे बाय बरी कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। नंबर 7 हेडिंग है जी सब क्लास द पावर ऑफ कोर्ट टू अक्विट अक्यूज एट एनी स्टेज अंडर सेक्शन 265K इट इज़ द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट किसी भी वक्त मुल्जमान को सुने बगैर, प्रोसिक्यूटर को सुने बगैर, अगर कोर्ट को लगे उनको सुन भी ले बेशक, उसे वो कन्विक्ट तो नहीं करेगी। कन्विक्ट तो जाहिर सी बात है जब केस कंप्लीट होगा। हाँ, कोर्ट को दरमियान में अगर किसी भी जगह पर ये लगे कि ये मुल्ज़म बेगुनाह है तो उसे वो 265K के तहत बाइज़त बरी कर देती। फिर आ जाती है फाइनल स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पहले बताया है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट ऑन टू शो दैट। आगे फिर आपने बता देना है कि जो हमने पीछे सारा टॉपिक डिस्कस किया है उसके मतलब। लें जी हमारा ये वाला टॉपिक, आज हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं CRPC के अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि अगला टॉपिक भी आज ही करवाऊँ, अभी ही अगर टाइम मिल गया तो, क्योंकि मुझे पहले टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं, तो नहीं तो फिर सुबह तो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू लाजमी करेंगे। लें जी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जोयल एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जो एक तरफ से अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।